आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना ख्याल रख रहे होंगे और कोरोना डिसीज से बचाव के जितने भी उपाय हैं वो सभी उपाय आप जरूर अपना रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, इसके बावजूद आपको आपके ब्रेस्ट में दर्द महसूस होता है और ब्रेस्ट में सॉफ्ट गांठ महसूस होती है, ब्रेस्ट का ऊपरी जो स्किन है वहाँ पर आपको जलन महसूस होती है या फिर आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है, तो ये कब नॉर्मल है, कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे भी हिट करना मत भूलिएगा। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे हर लेडीज़ को ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर कर रही हूँ इससे आप समझ जाएंगी कि हर लेडीज़ को इसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो अनमैरिड हो चाहे वो मैरिड हो। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं सबसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर दे रही हूँ। जब मैं अनमैरिड थी तो मेरे राइट साइड का जो ब्रेस्ट है वहाँ पर मुझे अंदर दर्द महसूस होता था और हमेशा दर्द महसूस होता था। जब मैं स्नान करती थी तब भी मुझे दर्द महसूस होता था, जब मैं ज़रा सा भी टच हो जाता था मुझे तो मुझे दर्द महसूस होता था, जब मैं कपड़े पहनती थी तो भी मुझे दर्द महसूस होता था। लेकिन मैंने घर में कभी किसी के विषय में कोई चर्चा नहीं की थी। कई बार मन किया कि माँ से बता दूँ लेकिन पता नहीं कि संकोचवश मैं उनसे कभी भी इस बात को बता नहीं पाई और ये जो दर्द था वो मुझे कभी कभी बहुत असहनीय हो जाता था, बिल्कुल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था और ये शादी के बाद तक मुझे रहा, तब तक जब तक कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो गई। जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो ये दर्द मेरा चला गया और उसके बाद में जब मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी तभी भी ये दर्द मुझे नहीं था और जब मेरा बेटा मतलब 20 साल के लगभग नहीं 15-16-17 साल का रहा होगा उस समय मुझे ये दर्द फिर से महसूस हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि जब मेरी डिलीवरी हुई, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो ये राइट साइड नहीं ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड का जो ब्रेस्ट था वहाँ पर दर्द महसूस होता था जब मैं अनमैरिड थी और मुझे गांठ महसूस होती थी। गांठ कैसी महसूस होती थी? मुझे जैसे एकदम ठोस महसूस होती थी, सीधा निप्पल के नीचे यानी कि जो एलोरा का भाग होता है उसके नीचे। जब भी मैं टच करने की कोशिश करती थी मुझे ऐसा लगता था कि उस जगह पर कोई गोटी जैसी ऐसी चीज़, कोई हल्का ऐसे सॉफ्ट पत्थर हो, एकदम से सॉफ्ट नहीं ठोस था वो। तो तभी क्या होता था कि कैंसर का इतना ज़्यादा खौफ नहीं था और इतनी ज़्यादा चर्चा भी नहीं थी इसके विषय में, इसलिए मुझे कभी उसके विषय में कोई इतनी टेंशन नहीं हुई। पर कभी कभी ऐसा लगता था कि किसी के मुँह से कभी एक आध बार ऐसे सुनाई दे जाता था कि किसी को ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, कभी ऐसे नहीं तो फिर इतना ज़्यादा कुछ था नहीं ऐसा जैसे कि आज के समय में कैंसर का इतना ज़्यादा खौफ सा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने उसे लाइट ले लिया, फिलहाल वो प्रेगनेंसी के बाद चला गया और जब तक मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराई तब तक मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, कई सालों तक नहीं हुआ। हाँ, जब मेरा मोनोपॉज स्टार्ट हुआ यानी कि आज से मुझे तो मोनोपॉज बाद में स्टार्ट हुआ लेकिन उसके पहले से मुझे वो दर्द फिर से शुरू हो गया। और ये दर्द होता कब था? जब मेरा पीरियड आता था उसके ठीक 8 दिन 10 दिन पहले मुझे ये दर्द शुरू हो जाता था, कभी कभी पूरा महीने भर रहता था। तो मैं उतना समझ नहीं पाई लेकिन उसमें जो दर्द मुझे महसूस हो रहा था, तब तक मैंने बहुत ज़्यादा लोगों का ऐसे सुन लिया था कि कैंसर हो गया ऐसा वैसा, तो मैंने खुद भी यूट्यूब पर ही चेक किया तो मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा जो सिम्टम्स कैंसर के गांठ के बताए गए थे वैसा कुछ मेरा था नहीं। फिर भी कहते हैं ना कि मन में एक डर सा बैठ जाता है और उसी दौरान मेरा मोनोपॉज स्टार्ट हुआ। तो मैंने पहले स्टार्टिंग के दिनों में ऐसा महसूस किया कि मुझे इसी ब्रेस्ट में ऐसा हो रहा था। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगी कि जब भी मुझे वो ब्रेस्ट में दर्द महसूस होता था तो मतलब ब्रेस्ट के नीचे एलोरा के भाग के पास में मुझे गांठ जो महसूस होती थी तो मैं चेक करने की कोशिश करती थी कि कितना दूर तक है, तो वो मुझे फैला हुआ सा महसूस होता था और ये जो दर्द था
वो कभी कभी एक ही ब्रेस्ट में होता था, कभी कभी दोनों ब्रेस्ट में होता था। जब एक ब्रेस्ट में होता था तब मुझे थोड़ी टेंशन होती थी, जब मैंने दोनों ब्रेस्ट में महसूस किया तो मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने ऐसा मतलब सुन रखा था और यूट्यूब पर भी सुन रखा था कि कैंसर कभी एक ही ब्रेस्ट में हो सकता है, दोनों ब्रेस्ट में एक साथ में नहीं हो सकता है। और ऊपर की स्किन जो है वो रेड महसूस होती थी, जलन महसूस होता था, जैसे कि आप स्किन पर थोड़ा सा मिर्ची लगा लें, ग्रीन मिर्ची अक्सर हम कूटते हैं और उसके बाद में हाथ अगर अच्छी तरह से वॉश नहीं किया है तो कहीं आपको लग जाता है तो कैसा महसूस होता है, ठीक उसी तरह का महसूस होता था मुझे। और जब मेरा मोनोपॉज स्टार्ट हुआ तो उस समय कभी एक ब्रेस्ट में हुआ, कभी दोनों ब्रेस्ट में हुआ, तो मैंने क्या किया, पीरियड के लिए जब हैवी ब्लीडिंग मेरी शुरू हुई तो मैं डॉक्टर के पास गई दिखाने के लिए, तो मैंने उनसे उस विषय में चर्चा की डॉक्टर से कि मुझे इस तरह का दर्द होता है और मुझे शायद गांठ है, तो उन्होंने चेक किया। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे मुझे कि मैम जो कुछ कह रही हैं उन्हें जो अंधविश्वास होता वैसा है, लेकिन जो सच है वही मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रही हूँ। जिस समय डॉक्टर ने चेक किया उसके ठीक पहले, यानी जब मैं ड्रेस चेंज करके डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल रही थी, तो उस समय मैंने चेक किया था, मुझे वो गांठ महसूस हो रही थी, लेकिन जिस समय डॉक्टर ने चेक किया उन्होंने कहा नहीं है, उसके बाद मैंने भी घर पर आकर के चेक किया तो वाकई मुझे वो गांठ वहाँ पर नहीं मिली। और ये क्यों हुआ वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उस दौरान जो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया पीरियड को कंट्रोल करने के लिए, उस मेडिसिन से मुझे काफ़ी तकलीफ़ महसूस हुई, क्योंकि बंद तो हो जाता था मेरा पीरियड 5 दिन के अंदर बंद हो जाता था, लेकिन बाद में मुझे मैंने यूट्यूब पर ही देखा कि इससे खतरा हो सकता है, वाकई में ऐसा हुआ। मैं फिर से चेक कराने गई तो मुझे पता चला कि मुझे गांठ हो रही है बच्चेदानी में, तो मैंने वो सब कुछ बंद किया, योगा शुरू किया, कुछ पॉइंट्स जो होते हैं एक्यूप्रेशर के वो स्टार्ट किया और उससे मुझे रिलीफ हो गया। और सबसे ज़्यादा मुझे जो रिलीफ हुआ वो ये आरवी टोन, क्योंकि देखिए अब मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, जो कुछ अभी तक था वो मैंने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताया है। आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको इतना बता दूँ कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फिटिंग कराती हैं अगर उनके ब्रेस्ट में दर्द होता है तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने दिया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आप ब्रेस्ट फिटिंग कराती हैं तब आपको ऐसा दर्द महसूस हो रहा है तो आप चेकआउट करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको हेल्प होगी। और जो महिलाएँ अभी प्रेग्नेंट हैं अगर उनके ब्रेस्ट में दर्द होता है तो ये क्यों होता है, उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो दिया हुआ है अपने चैनल पर, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेकआउट करके उसे देखिए। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि पीरियड का जो चक्र होता है उस समय जो ये होता है वो पीरियड के 8 दिन पहले, 10 दिन पहले या 5 दिन पहले हो सकता है, कभी कभी ये पीरियड के साथ में ही ख़त्म हो जाता है, कभी कभी ये पीरियड ख़त्म होने के बाद में ख़त्म होता है, यानी 2 दिन 4 दिन के बाद में ख़त्म होता है, और किसी किसी को हर महीने ऐसा होता है, किसी किसी को 1-2 महीने होता है, किसी किसी को 1-2 साल तक होता है, किसी किसी को जब तक ये पीरियड का चक्र रहता है तब तक होता ही रहता है। तो आप नोटिस करिए अगर पीरियड के आसपास में ही ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीरियड जाने के बाद में भी आपको लगातार ये तकलीफ़ बनी हुई है तो एक बार शक को निकालने के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए चेकअप करवाने के लिए। क्योंकि देखिए अगर शक मन में बैठ जाता है तो सिर में दर्द होता है, टेंशन होता है, और टेंशन होने की वजह से बहुत सी बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं, तो इसलिए वो ज़रूर करिए। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि एक्चुअली में इससे मेडिकल की भाषा में क्या कहते हैं, पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट की जो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है वो हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है और इसकी वजह से ब्रेस्ट में दर्द होता है। पीरियड के दौरान होने वाले ब्रेस्ट पेन को मास्टल्जिया कहते हैं, यानी चक्रीय स्तन दर्द या साइक्लिकल मास्टल्जिया कहते हैं। पीरियड के शुरुआत के दिनों में 8 दिन 10 दिन या 5 दिन पहले ये आ सकता है, पीरियड के साथ में ये जा सकता है जैसा कि मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया आपको, या फिर पीरियड जाने के बाद में जा सकता है। इसमें ब्रेस्ट में सूजन आ जाना, ब्रेस्ट में सॉफ्ट गांठ का बनना, या ब्रेस्ट में जलन जैसा कि मैंने बताया मिर्ची जैसा महसूस होता था, या फिर ब्रेस्ट में लालिमाई आ जाना यानी कि ब्रेस्ट आपको रेड महसूस हो सकता है। ये अनमैरिड लेडीज़ को भी हो सकता है जैसा कि मुझे था। और जब ही महिलाओं की मोनोपॉज की कंडीशन स्टार्ट होती है यानी पीरियड बंद होने का जो निवृत्ति स्टार्ट होती है,
40 ईयर्स क्रॉस करने के बाद में, तो उस समय ये तकलीफ महसूस हो सकती है। अब ये जो चक्रीय दर्द यानी मास्टाल्जिया है, ये प्रीमेस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षणों में से एक है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी या अधिक हो जाने की वजह से होता है। यानी कि ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, उसके कम होने या अधिक होने की वजह से होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि उसके बाद में मुझे फिर कभी भी नहीं हुआ, ये जो सिरप मैंने स्टार्ट किया, इससे मुझे ब्लड में भी काफ़ी, मतलब जो ब्लीडिंग होती थी बहुत ज़्यादा अनियमित रूप से होती थी, ब्लीडिंग बहुत हैवी ब्लीडिंग होती थी, वो सब तकलीफ़ मुझे कम हो गई। मुझे पेड़ों में बहुत दर्द महसूस होता था, बहुत तेज़ दर्द महसूस होता था। हाँ, चाय गरम गरम मैं पीती थी तो मुझे बहुत रिलीफ महसूस होता था और आराम महसूस हो जाता था। वो मुझे चाय पीने से अभी भी होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो चाय आप ज़रूर लीजिए, चाय या कॉफ़ी थोड़ा, ताकि आपको रिलीफ महसूस हो जाए। और ये जो है, ये शायद मेरे ख्याल से मेरा ये जो हार्मोन मैंने बताया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उसको बैलेंस करने का काम इस टॉनिक ने किया, जिसकी वजह से कि मुझे तब से ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि वो गाँठ, वो रेड होना और वो जलन महसूस होना और दर्द होना, ये सब पीरियड के आसपास ही होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब से ये मुझे हो गया, मेरे ख्याल से मुझे 4 साल हो गया इसको पीते हुए, और ये मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं सजेस्ट किया था, ये मुझे मेरी दीदी ने बताया था। दीदी को उनके डॉक्टर ने बताया था, उनका भी सेम पीरियड का प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया, उन्होंने मुझसे बताया, तो मैंने इसे तब से पीना स्टार्ट किया है। इसे 2-3 टाइम शायद पीना होता है, लेकिन मैं इसे सिर्फ 1 टाइम मैंने रात में पीती हूँ, क्योंकि इससे मुझे नींद बहुत अच्छी आती है और अच्छी नींद में सो लेती हूँ और मुझे काफ़ी रिलीफ है। तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप लेने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसके विषय में जानकारी ले लीजिएगा। और प्लस ये जो गठान है, वो अगर आपको पीरियड के आसपास ही होता है और फिर पीरियड के साथ में चला जाता है, या फिर पीरियड के बाद में चला जाता है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ऐसी गांठ, ऐसा जलन, ऐसा दर्द, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो लगातार बना हुआ है, तो एक बार सबको समाधान करने के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। जैसा कि मैंने चेकअप करवा लिया, तो मेरे माइंड में से वो बात हमेशा के लिए निकल गई कि हाँ, मुझे कुछ भी नहीं है। नहीं तो फिर इतने सारे, मतलब जो कैंसर के बहुत ज़्यादा पेशेंट आजकल बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, एक टेंशन सा सिर में घर कर जाता है कि नहीं कुछ हुआ तो इसलिए एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाइएगा। अच्छा, अब जो कैंसर का गांठ होता है या जो उसमें दर्द होता है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस जो है वो समझने में आसानी हो। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और इसके बावजूद आपको ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, या फिर लाल महसूस हो रहा है, जलन महसूस हो रही है, गांठ महसूस हो रही है, और ये सब कुछ पीरियड के आसपास ही आपके साथ होता है, तो ये क्यों होता है, ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हर महिला को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें इसकी जानकारी रहे और जो कैंसर का खौफ है, ब्रेस्ट कैंसर का, वो उनके ऊपर हावी न होने पाए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।